हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी कार में व्यस्त होंगे। तो गाइस, आज जो हम बात करने वाले हैं वह बात करने वाले हैं मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, अर्थात पुष्पी पौधों की आकृति के बारे में। और इस पुष्पी पौधों की आकृति के बारे में आज का जो हमारा टॉपिक है, पहला वो टॉपिक है रूट, अर्थात जड़। ठीक है, आप जानते हैं कि अगर एक मैच्योर अर्थात डेवलप विकसित पूरा पौधा है तो विकसित पौधे में कितने भाग होते हैं। आप जानते हैं कि अगर एक विकसित पौधा है तो उसमें सबसे पहले क्या होती है, जड़ होती है, जड़ फिर तना होती है, फिर पत्ती होती है, फिर पुष्पक्रम होता है, फिर पुष्प होता है, फिर पुष्प के गिरने के बाद बनता है फल, फिर उसके बाद फल में क्या होता है, सीड होता है, अर्थात बीज होता है। तो देख लीजिए, एक रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, इतने जो है पार्ट्स होते हैं एक जो है विकसित पौधे में। ठीक है, अब चलते हैं, शुरू करते हैं हम आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है जड़। ठीक है, रूट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज़ हो, वहाँ कहते हैं कि आपकी रूट बेहतरीन होनी चाहिए, अर्थात आपकी जड़ मजबूत होनी चाहिए। अगर जड़ मजबूत है तो आपकी पकड़ उस पर मजबूत है। आप जानते हैं कि पौधों को पकड़ बनाने के लिए मृदा से क्या होनी चाहिए, उसमें रूट, एक डेवलप्ड रूट होनी चाहिए, जड़ होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज जड़ को, सबसे पहले इसको समझिए हमारे साथ और थोड़ा सा इस सेशन को आप लोग तेजी से जरा शेयर करिए, फिर उसके बाद मजा आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम रूट की बात करें तो रूट ये सब कहाँ से विकसित हुई, सबसे पहले तो आया है सीड। सीड क्या है, ये है गाइज बीज, जिसे आप कहते हैं ये बीज, इसको क्या कहेंगे आप, सीड। तो अब सीड भी द्विबीजपत्री है कि एक बीजपत्री है, आप जानते हैं कि अगर दो कॉटिलीडॉन्स हैं इसमें तो द्विबीजपत्री है, कॉटिलीडॉन में डिवाइड नहीं, एक ही है, एक बीजपत्री है, आप जानते हैं। अब ये बीज की अगर हम संरचना देखें गाइज, इस बीज की अगर हम संरचना देखें तो आप देखते होंगे कि इसके जो भीतर हैं ये होते हैं कॉटिलीडॉन्स। अब इसमें डाइकॉटिलीडॉन्स भी हो सकता है, मोनो भी हो सकता है। अगर ये दो कॉटिलीडॉन्स हैं तो इसके ऊपर एक आवरण होता है जिससे घिरा होता है, इसे कहते हैं सीड कोट। ठीक है, देखिए सीड कोट के द्वारा क्या है, ये घिरा हुआ है सीड कोट के द्वारा, बीज आवरण के द्वारा, और जिसके भीतर है इसे कहते हैं बीजपत्र, अर्थात कॉटिलीडॉन कहते हैं इसके भीतर, कॉटिलीडॉन्स। अब होता क्या है, जैसे इसको आप जर्मिनेशन के लिए छोड़ते हैं, ठीक है, अब इसको जब रख देते हैं मृदा में, जब मृदा पाता है नमी अवशोषित करता है, वायुमंडल से नमी अवशोषित करता है तो स्वेलिंग आती है। जब ये स्वेल करता है, ये फूलता है, नमी को अवशोषित करता है तो फूलता है, तो प्रेशर देता है इस जो है सीड कोट पर, तो सीड कोट फट जाती है। अब सीड कोट फटती है तो इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है क्या होता है, ये बाहर आ जाता है गाइस, ये बाहर आ जाता है। अब जर्मिनेशन की स्थिति में आ जाता है, किस स्थिति में आ जाता है, जर्मिनेशन की स्थिति में। उसके बाद होता क्या है कि अब यहीं से कुछ पार्ट्स कैसे ऊपर होता है, कुछ भाग कहाँ चलता है, नीचे चलता है। तो अब यहाँ देखिए, जो नीचे की तरफ मृदा में, अर्थात ये आपको बता दें ऐसा अगर है इसे मृदा में, तो इसका कुछ भाग कहाँ चला, नीचे की ओर मृदा में, तो उसे कहते हैं जो मृदा में चलता है, मृदा की ओर चलता है, अर्थात पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म की ओर चलता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और निगेटिव फोटोट्रॉपिक, अर्थात अब ये देखिए इसमें प्रकाश तो यहाँ मिलेगा नहीं, इसलिए कह दिया हमने ये प्रकाश के विपरीत चल रहा है, अर्थात निगेटिव फोटोट्रॉपिक, और गुरुत्वाकर्षण के ठीक साइड में चल रहा है तो इसे कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। ठीक है, अब उसके बाद कुछ ऊपर चलता है तो इसे कहते हैं क्या, इससे डेवलप होता है सूट गाइज, क्या डेवलप होता है सूट, और इससे डेवलप होता है रूट। देखिए रेडिकल से क्या डेवलप होता है, रूट, और प्लूम्यूल से अर्थात प्रांकुर से क्या डेवलप होता है सूट। सूट बोले तो अब इसमें लीफ और स्टेम, आप समझिए इसमें क्या, लीफ और स्टेम, पत्ती और तना इसमें, फिर उसके बाद और भी जो भाग एरियल होता है, जो वायवी भाग होता है, जैसे जितने रूट को छोड़कर जितने भी भाग हैं ये सभी भाग एरियल भाग हैं, तो आप समझिए कि प्लूम्यूल से डेवलप कर रहा है, बाकी रूट जो है रेडिकल से चल रहा है। अब ये जैसे डेवलप करता है, फिर आगे की कंडीशन ये है इसकी, अब इस कंडीशन में आप देख लीजिए कैसे कर रहा है। अब यहां से ये है मृदा गाइस, ठीक है, अब एक बात और समझिए, यहां जर्मिनेशन दो प्रकार का होता है गाइस, ठीक है, जर्मिनेशन एक इपीजियल और एक हाइपोजियल जर्मिनेशन दो प्रकार का होता है। अगर इपीजियल जर्मिनेशन हो रहा है तो अगर कॉटिलीडॉन सीधे जो है मृदा से ऊपर आ गया, कॉटिलीडॉन से ऊपर आ गया, ठीक है, तो उसे कहते हैं इपीजियल जर्मिनेशन। अगर वो मृदा में ही है फिर वहां से निकल रहा है तना तो उसे कहते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन, ठीक है, इपीजियल हाइपोजियल। तो अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, ये कॉटिलीडॉन्स है यहां पर, अब यहां इपीजियल हाइपोजियल मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये कॉटिलीडॉन्स है ये दोनों, ठीक है, ये बीजपत्र हैं, कॉटिलीडॉन्स हैं। अब कॉटिलीडॉन्स के बीच से यहीं से देखिए कुछ भाग इसका मूवमेंट कर रहा है नीचे की ओर, जो ये पूरा क्या बना रहा है, ये जो है रूट सिस्टम बना रहा है। रूट सिस्टम किसे कहते हैं, मैं अभी बात कर रहा हूं, रूट सिस्टम बना रहा है, ऊपर जो एरियल भाग है ऊपर चल रहा है। अब ये बीच का भाग कहलाता है हाइपोकोटाइल, और उसके बाद ऊपर जो
आ गया भाग, उसे ये देखिए एपिकोटाइल भाग है, बाकी इसमें पत्तियां लगती है, लीफ इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर चलता है। अच्छा एक बात यहां समझिए, जर्मिनेशन हुआ तो सबसे पहले जो रूट निकली ये सीधे मृदा की गहराई में जा रही है, इसे कहते हैं प्राइमरी रूट। इसे क्या कहते हैं गाइस, ये देख लीजिए, बिल्कुल ये प्राइमरी रूट है, ये सीधे सीधी वाली ये प्राइमरी रूट है। फिर यहां से जो लैटरल साइड में निकलती है जो ब्रांचेस, उसे कहते हैं सेकेंडरी रूट। ठीक है, प्राइमरी रूट और ये कौन सी, ये सेकेंडरी रूट हो गई, और फिर सेकेंडरी रूट से फिर निकल रही है, तो यहां पर एक ये सेकेंडरी और यहां से एक निकलती है, यहां टर्सरी रूट हो जाएगी, टर्सरी तृतीयक जड़ें। तो आप समझिए ये पूरा इसका सिस्टम, फिर ये डेवलप करके पूरा देखिए, ये तो रूट हो गया नीचे, फिर उसके बाद ऊपर से स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट और सीड। आप समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं यहां तक। फिर इसके बाद की कंडीशन क्या है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं आपकी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और जोरदार कमेंट करिएगा गाइस यदि आपकी समझ में आ रहा है। देखिए अब यहां जड़ के बारे में, अगर इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे, इसकी वास्तव में इसकी परिभाषा क्या होती है, जड़ को हम कैसे व्यक्त करेंगे कि जड़ किसे कहते हैं, तो देख लीजिए पौधे का वह भूमिगत भाग, अर्थात पौधे का एक ऐसा पौधा, यहां अपने दिमाग में बिठाइए जरा, अभी ये देखिए ये पौधा है, क्या है गाइस, ये है पौधा। ठीक है, पौधे का ये भूमिगत भाग जो कहां होता है, भूमि में, पौधे का वह भूमिगत भाग जो कैसा, यहां दो कंडीशन है, एक पॉजिटिव जियोट्रॉपिक और निगेटिव फोटोट्रॉपिक। ठीक है, ये दो कंडीशन है प्रदर्शित करता है, पौधे का वह भूमिगत भाग जो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक और निगेटिव फोटोट्रॉपिक प्रदर्शित करता है उसे जड़ कहते हैं, रूट कहते हैं। ठीक है, ये मृदा के नीचे ये परिभाषा है, पौधे का वह भूमिगत भाग जो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक व निगेटिव फोटोट्रॉपिक प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। ठीक है, अब जड़ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर इसके क्या हैं, यहां इन बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा गाइस। तो देखिए जरा जो इसके बारे में, जड़ के बारे में ध्यान रखना क्या है, रूट कैप अब्सेंट, ये सबसे जो बातें पूछी जाती है मैं वहां यहां पर हाईलाइटेड कर दिया हूं गाइस। ठीक है, यहां देखिए रूट कैप अब्सेंट इन हाइड्रोफाइट, रूट कैप एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट, अर्थात जो जल में पौधे होते हैं। अभी रूट कैप क्या है, अभी मैं आपको बता रहा हूं आगे इसका पूरा सिस्टम। तो रूट कैप देखिए क्या, ऐसे समझ लीजिए ये अगर रूट है तो एकदम बिल्कुल यहाँ टिप पर, यहाँ पर जो होती है, जो मृदा को भेदती चली जाती है, इसे कहते हैं रूट कैप। ठीक है, तो ये मृदा में है तो भेदने का कार्य करती है, अब जल में है तो इसका कार्य नहीं है, तो ये हाइड्रोफाइट में रूट कैप अब्सेंट होती है गाइस। ठीक है, अब्सेंट होती है, हाइड्रोफाइट का मतलब एक्वेटिक, अर्थात जो जल में होते हैं पौधे उसमें रूट कैप अब्सेंट होती है। ओनली प्राइमरी रूट प्रेजेंट, केवल इसमें क्या होती है, प्राइमरी रूट होती है, जो एक मूल जो जड़ होती है वही उसमें होती है गाइस। अब यहां अगली बात देखिए कि रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रूट कहां से डेवलप होती है, तो रूट जो डेवलप होती है वो कहां से, रेडिकल से डेवलप होती है गाइस, रेडिकल से। ठीक है, जो इसका मूलांकुर भाग है नीचे चलता है। और जड़ की क्या विशेषता है कि नोड एंड इंटर नोड एब्सेंट, इसमें नोड और इंटर नोड एब्सेंट होता है। अब नोड और इंटर नोड क्या है गाइस, आप जानते हैं यदि आप गन्ना देखे हो, ठीक है, गन्ना अगर इसे चूसे होंगे तो आप जानते हैं कि ये देखिए ऐसे भागों में बटा होता है, जिसे अपनी भाषा में पौड़ कहते हैं, पौड़ यार दो पौड़ दीजिए जरा। तो इस तरीके से ये देखिए नोड इंटर नोड, ये नोड और इंटर नोड में ये कुल मिला के अगर जड़ है तो इसमें ऐसी कंडीशन नहीं होती, नोड इंटर नोड नहीं होती, सीधे सीधे भैया चलो, नोड इंटर नोड एब्सेंट। और अगली बात की पॉजिटिव जियोट्रॉपिक प्रदर्शित करती है, निगेटिव फोटोट्रॉपिक प्रदर्शित करती है। ठीक है, यानी प्रकाश के ऋणात्मक होती है, और यही बात पूछी जाती है यहां पर। मैं आपको बता दूं एक जड़ से क्या पूछा जाता है, जैसे आप साइकस में आप जाते हैं, कोलेरॉइड रूट होती है जो निगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक प्रदर्शित करती है, कोलेरॉइड रूट। ठीक है, किसमें, साइकस में, आप जानते हैं ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये देख लीजिए, ये तो फिलहाल मोस्टली जड़ की जो बात है। और जड़ों की अगर प्रकार की बात करें तो जड़ जो है दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक तो होती है टैप रूट मोस्टली, और दूसरी एडवेंटिटियस रूट। अब आपके दिमाग में एक फाइबरस रूट भी आ रहा होगा, अभी मैं आगे बता रहा हूं फाइबरस रूट क्या है। फाइबरस रूट एक प्रकार की एडवेंटिटियस रूट ही है, कैसे है उसको समझिए। सबसे पहले टैप रूट क्या है, ये सीधे भूमि की गहराई में जाती है, टैप रूट जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, और जो है सलजम हो गया, सीधे इसकी जड़ सीधे चली गई। अब यहां से अलग अलग शाखाएं नहीं निकल रही होती हैं, ठीक है, सीधे, तो टैप रूट। एडवेंटिटियस जो एक पहले मूल जड़ होती है, फिर वहां से ब्रांचिंग होती है, लैटरल साइड में चलती हैं जड़ें, ठीक है, तो ये कहां तक रहती हैं, केवल भूमि की सतह तक ही सीमित होती हैं, कौन सी, एडवेंटिटियस रूट। ठीक है, ये एडवेंटिटियस केवल भूमि की सतह तक होती हैं, जबकि ट्रैप रूट क्या करती है, भूमि की गहराई तक जाती है। अब आगे देख लीजिए कंडीशन, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए आगे बात करते हैं इसको एक डायग्राम की सहायता से। देखिए रूट सिस्टम की थोड़ा सा बात कर रहे हैं, रूट सिस्टम के बारे में,
तो रूट सिस्टम देखिए जरा, एक डाइकॉट है द्विबीजपत्री और एक मोनोकॉट है एक बीजपत्री। तो इसमें आप समझिए द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में जो जड़ होती है इसमें क्या डिफरेंशिएशन है, क्या अंतर है। तो जो डाइकॉट होती है इसमें जरा ध्यान दीजिए, इसकी विशेषता यह है कि इसमें प्राइमरी रूट जो होती है अत्यधिक लंबी होती है। डाइकॉट में प्राइमरी रूट अत्यधिक लंबी होती है, यह होती है प्राइमरी रूट, ये सीधे चली आ रही है। अब इसमें क्या है, प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है अर्थात अल्पायु होती है, बहुत कम समय के लिए होती है, तुरंत वो जो है क्या होती है लुप्त हो जाती है। ये स्टेम का बेस होता है माना जाता है, इसको कहाँ का बेस है, ये आधार होता है, तने का आधार होता है इसमें गाइस, तने का आधार होता है। प्राइमरी रूट शॉर्ट हो जाती है तो यहाँ से फाइबरस ऐसी निकलने शुरू हो जाती है, जैसे आप जानते हैं इसमें गेहूं में, धान में, मक्का में, इस तरीके से सीधे निकली होती हैं। और ये केवल सतह तक ही होती हैं, कहाँ तक होती हैं गाइस, ये सतह तक ही होती हैं। तो ये कौन सी हैं, ये मोनोकॉट की रूट है, देख लीजिए इसमें, इस जो इसमें प्राइमरी रूट मैंने बताया शॉर्ट लिव्ड होती है, यहीं तक होती है, फिर उसके बाद ये फाइबरस निकली होती है, धागेनुमा संरचना ढेर सारी निकलने लगती है, ऐसे बन जाती है झकड़ा जड़, किसके कहते हैं, क्या कहते हैं, झकड़ा जड़। यहां से अब यहां से इसकी ब्रांचिंग नहीं होती अर्थात सेकेंडरी रूट इसमें देखने को नहीं मिल रही है। जबकि यहां पर देखिए क्या सिस्टम है, प्राइमरी रूट है, ये प्राइमरी रूट है। अब प्राइमरी रूट के आगे देखिए प्राइमरी से क्या निकल रही है, सेकेंडरी रूट, ये प्राइमरी रूट हो गई, ये सेकेंडरी रूट हो गई। अब देखिए सेकेंडरी के बाद यहां पर क्या हो रही है, टर्शियरी रूट हो रही है। तो प्राइमरी रूट, फिर सेकेंडरी रूट, फिर कौन सी, टर्शियरी रूट, ठीक है, टर्शियरी रूट, टर्शियरी रूट इसमें तृतीयक जड़ें। अब ये पूरे जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, इसको जो मृदा के नीचे है पूरा इसका भाग जो है, इसको क्या कहते हैं गाइस, इसको कहते हैं टैप रूट सिस्टम। क्या कहते हैं इसको, टैप रूट सिस्टम कहते हैं इस पूरे सिस्टम को। देखिए रूट सिस्टम किसे कहते हैं, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड रूट, अंडरग्राउंड रूट और प्लस रूट ब्रांच, ये रूट ब्रांच हो गई और रूट हेयर्स, इसमें छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स। तो ये पूरे को क्या कहते हैं गाइस, हम आपको बता दें, देखिए इसको पूरे को क्या बोलते हैं, इसी पूरे को कहते हैं रूट सिस्टम। क्या कहते हैं इसको, कहते हैं ये पूरा रूट सिस्टम, देख लीजिए रूट सिस्टम, रूट सिस्टम किसे कहते हैं, अंडरग्राउंड रूट प्लस रूट ब्रांच प्लस रूट हेयर्स, इसको कहते हैं। अब यही देखिए, अब यहां पर समझिए एक बात और समझिए कि देखिए रेडिकल जो है, यहां थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए, जो रेडिकल है देखिए ये रेडिकल, अब रेडिकल कहां से डेवलप होती है, रेडिकल सॉरी रूट कहां से डेवलप होती है, रेडिकल से डेवलप हो रही है तो बनाती टैप रूट, और यही टैप रूट क्या है, प्राइमरी रूट है गाइस, यही प्राइमरी रूट होती है, कौन सी, टैप रूट प्राइमरी रूट होती है। अब उसके बाद देखिए जरा एडवेंटिटियस की बात करें तो एडवेंटिटियस रूट डेवलप अदर देन रेडिकल, जो एडवेंटिटियस रूट होती है वो रेडिकल के अलावा किसी अन्य भाग से डेवलप होती है, ठीक है। मींस इसका मतलब क्या है, बेस ऑफ स्टेम कहलाता है, ये क्या कहलाता है, तने का आधार कहलाता है, अर्थात कह दीजिए इसको क्या कहलाती है, फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट को एडवेंटिटियस, एक प्रकार की फाइब्रस रूट जो है एडवेंटिटियस की प्रकार है, ठीक है, एडवेंटिटियस की टाइप्स है फाइब्रस रूट। गाइस आगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं कितना आप समझ गए होंगे, जो डाइकॉट की जड़ है जैसे आम में, सरसों में, और मोनोकॉट की जो रूट है जैसे गेहूं है और मक्का है और क्या है, और इसमें जो धान है, इन सब की जड़ें जो है कैसी होती हैं, वो होती हैं मोनोकॉट की रूट, प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है। आगे देखिए जरा यहाँ पर फंक्शन ऑफ रूट, रूट के सिस्टम, अभी मैं फिगर के माध्यम से इसको पूरा समझा रहा हूँ, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। फंक्शन ऑफ रूट की अगर बात करें, जड़ के कार्य के बारे में बात करें, तो गाइस आप देख लीजिए जरा जड़ के कार्य के बारे में, यहाँ पहला इसका काम क्या है, मृदा से जल और खनिज लवण का अवशोषण करना। जो जड़ होती है जब भाई मृदा में है तो मृदा से क्या करती है, पौधे को क्या क्या अवशोषित करके देती है, जल और खनिज लवण, जल और खनिज लवण का अवशोषण करती है ये जड़, ठीक है, वहीं से चलती है पीरा, जैसे जानते हैं कि जाइलम क्या करता है, जल को ले जाता है, ठीक है, फ्लोएम क्या करता है, पूरे भोज्य पदार्थ को संचालित करता है पूरे पौधे में, ठीक है। तो मृदा से जल और खनिज लवण का अवशोषण करना, अब पौधों को मिट्टी से जकड़ कर रखना, अगर जड़ नहीं होगी तो पौधा लुढ़क नहीं जाएगा, इसलिए मिट्टी से जड़ क्या करती है, एकदम मृदा से जड़ जो होती है वो जकड़ करके रखती है पौधों को, ठीक है, इसी के सहारे खड़ा होता है एकदम बिल्कुल, ठीक है। तो पौधों को मिट्टी से जकड़ कर रखना ये जड़ का कार्य है, और कहीं कहीं किसी किसी पौधे में खाद्य पदार्थ का संचय भी करती है, खाद्य पदार्थों का क्या करती है, संचय, शकरकंद को देख लीजिए, ठीक है, अब वहाँ क्या करती है, शकरकंद खाद्य पदार्थों का क्या कर लेती है, संचय कर लेती है, फिर दूसरे लोग खाते हैं उसको मजा आता भैया चलो मूलकंद इस समय कहीं। और अगली खास बात है कि पादप नियामकों का संश्लेषण भी करती है, प्लांट हार्मोन्स भी, पादप नियम को जो प्लांट जो रेगुलेटर्स हैं, ग्रोथ हार्मोन्स हैं, उनका संश्लेषण भी ये कार्य करती है
कि कौन, ये रूट। तो ये इसके मुख्य मुख्य जो है इसके फंक्शन ऑफ रूट, रूट के मुख्य मुख्य कार्य हो गए गाइस, है तो और भी लेकिन मैं मुख्य रूप से आपको बताया। अब यहाँ जो आपकी एग्जाम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब यहाँ आपको ध्यान देना है। देखिए राइजोफोरा सबसे ज्यादा आया है, एविसिनिया है, सोनेरेसिया है, ठीक है। राइजोफोरा, एविसिनिया, सोनेरेसिया, ये तीन है गाइस। कौन कौन है भैया? राइजोफोरा है और एविसिनिया है, और कौन है भैया? और है सोनेरेसिया है। राइजोफोरा, एविसिनिया, सोनेरेसिया, इन सभी में क्या पाई जाती है गाइस? इन सभी में पाई जाती है, यहां ध्यान दीजिए, निमेटोफोर्स। क्या पाई जाती है? श्वसन मूल पाई जाती है, श्वसन मूल पाई जाती है गाइस, यहां पर देख लीजिए, श्वसन मूल पाई जाती है राइजोफोरा, एविसिनिया, सोनेरेसिया में। अब आप सोचेंगे कि भैया ये कौन सी मूल है, श्वसन मूल कहां से आ गए? श्वसन मूल को थोड़ा सा समझिए, ये है क्या, देखिए जड़ जो होती है मृदा में है, मृदा में आप जैसे जानते हैं कि मिट्टी होती है चारों तरफ, जड़ के चारों तरफ, जैसे ये भाई यहाँ ध्यान दीजिए, ये जड़ आई, ठीक है। अब यहाँ मृदा के कण होते हैं, ढेर सारे मृदा के कण हैं, ठीक है। अब इसको सांस लेने के लिए वहाँ वायु भी होती है, तो नाइट्रोजन जो है इसी सारे इसमें होते हैं वायु में, ठीक है, तो इसको मिल जाता है नाइट्रोजन भी। अब यहाँ कभी कभी क्या होता है, जब इसमें पानी आ जाता है, पानी पूरे इसके जो बीच बीच में स्पेस है पूरा पानी भर जाता है गाइस, पानी भर जाता है, तब तो इसको आप भैया इसको वायु कहाँ से मिलेगी, नहीं मिलती है। तो होता क्या है, उनमें इन पौधों में जो जड़ होती है भैया, ये ऊपर की तरफ निकल आती है ऐसे, इसमें ऐसे ये पोर्स होते हैं, निमेटोपोर्स, ठीक है। अब ये देखिए, ये निमेटोफोर्स, ठीक है, श्वसन मूल कहलाती है, ऐसे दलदली जो मार्सी पौधे हैं, दलदली पौधे हैं वहां पर, मैंग्रोव प्लांट जो होते हैं, मैंग्रोव प्लांट वहां पर जो है ये मूल जड़ें निकल आती हैं इस तरीके से, अर्थात अब उनको वायुमंडल से जो है नाइट्रोजन मिल जाता है, वायु स्पेस भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होती इनको, मृदा में जैसे पानी भर गया तो यहाँ पर आ जाती है, तो इसको कहते हैं श्वसन मूल। तो राइजोफोरा, एविसिनिया, सोनेरेसिया में श्वसन मूल पाई जाती है, ठीक है, मुख्य रूप से ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और देखिए कुछ पौधों, जैसे कुछ पौधों में क्या क्या है भैया, यहाँ पर देखिए जरा, जैसे हो गया कुछ पौधों में घास और मॉन्स्टेरा, और कौन सा है भैया, और है बरगद, ठीक है, घास, मॉन्स्टेरा, बरगद, इनमें जो है एडवेंटिटियस गाइस, इनमें क्या, कौन सी एडवेंटिटियस रूट होती है इनमें, जो रेडकिल के अतिरिक्त अन्य भागों से निकलती है। भैया देखिए जरा ध्यान दीजिए, एडवेंटिटियस रूट है लेकिन रेडकिल के अतिरिक्त अन्य भागों से ये निकलती है, बरगद में देखेंगे दाढ़ी मूछ वाली नहीं लटकी होती है, तो उसको भी जरा ध्यान दीजिए, ये कंडीशन इसमें आ गई। आगे देखते हैं जरा, देखिए थोड़ा सा जड़ के भाग इस फिगर के माध्यम से समझिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसका स्क्रीनशॉट पहले लीजिए फिर समझिए। इसमें जो जड़ के भाग की अगर बात करें तो ये पूरा जड़ है, मैंने कट करके यहाँ आपको दिखा दिया, तो जड़ की भाग जो है, अब ये चार मुख्य भाग में बटा है, जड़ की अगर भाग की बात करें तो ये चार मुख्य भाग कौन है, एक तो हो गया जोन ऑफ मैच्यूरेशन, जोन ऑफ मैच्यूरेशन हो गया, दूसरा जोन ऑफ इलांगेशन, तीसरा हो गया जोन ऑफ सेल डिवीजन, चौथा हो गया रूट कैप, ठीक है। तो जोन ऑफ मैच्यूरेशन, जोन ऑफ इलांगेशन, जोन ऑफ सेल डिवीजन और रूट कैप। जो जोन ऑफ मैच्यूरेशन है इसकी कंडीशन क्या, रूट हेयर जोन होता है ये गाइस, ये देख लीजिए जोन ऑफ मैच्यूरेशन, ये पूरा का पूरा ये जो भाग है आप देख रहे हैं, ये पूरा ये है जोन ऑफ मैच्यूरेशन, क्या है जोन ऑफ मैच्यूरेशन, और ये रूट हेयर इसी में है, इसे कहते हैं रूट हेयर जोन। कौन सा जोन है? रूट हेयर जोन है ये, इसी में रूट हेयर से भी निकलते हैं पतले पतले से, ठीक है। इसका रूट हेयर है तो ये क्या करते हैं, रूट हेयर भैया वहां देखने के लिए शकल दिखाने के लिए तो होंगे नहीं, रूट हेयर का काम होता है एब्जॉर्प्शन करना, जल और खनिज पदार्थ का क्या करना, अवशोषण करना, तो इसका काम है एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, यानी जल और खनिज पदार्थों का क्या करता है, अवशोषण करता है रूट हेयर जोन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको ध्यान रखना ही रखना है इसको, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी विच पार्ट ऑफ रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, तो कौन सा रूट हेयर जोन, रूट हेयर जोन कहां पाया जाता है, जोन ऑफ मैच्यूरेशन में, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा है जोन ऑफ इलांगेशन, ये देखिए जोन ऑफ इलांगेशन है ये गाइस, ये जो धीरे से ऐसे लंबाई बढ़ाता है, बढ़ा रहा है लंबाई, ठीक है, जोन ऑफ इलांगेशन लंबा। अब ये इसकी विशेषता क्या, डेंस प्रोटोप्लाज्म गाइस, ये जरा ध्यान रखिएगा, डेंस प्रोटोप्लाज्म में इसका मुख्य कैरेक्टर है। अगला जोन ऑफ सेल डिवीजन, अब यहां पर देखिए जोन ऑफ सेल डिवीजन बहुत भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जोन ऑफ सेल डिवीजन, यहां पे क्या होता है, यहां की कोशिकाएं बहुत तेजी से कोशिका विभाजन करती है, जब कोशिका विभाजन करती है तभी तो उसकी लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है गाइस, ठीक है, तो इसे कहते हैं मेरिस्टमेटिक जोन, क्या कहते हैं, मेरिस्टमेटिक जोन कहते हैं, तो यहां की कोशिकाएं बहुत तेजी से विभाजित होती है। और ये लास्ट में क्या है, ये है रूट कैप गाइस, क्या है ये, रूट कैप है, आप सुने होंगे कि कर्ण,
कर्ण को जानते हैं, उनके गुरु जो है शिक्षा उच्छा नहीं दे रहे थे। अगर कोई जान ले रहे थे कि भैया ये छत्री हैं, आपने सुना होगा कि कर्ण जो है अपने गुरु जी के को कहाँ बैठा लिए थे, गुरु जी के अपने सर को जो है अपने जंघे पर रखा रख करके सुला दिए थे। तो उसके बाद एक कुसा जानते हैं, कुसा आप जानते हो घास है, अब उसके तो ऊपर का है लेकिन अब उसके भी जड़ को देखेंगे बहुत कटीला होता है गाइस, घुस जाएगा ठीक है, सीधे आर पार हो जाएगा। तो उसके जंघे को आर पार भेद करके निकल गया तो ब्लड निकला, तो कहावत है पूरा बताया गया है कि ब्लड देखे उनके गुरु, तो अरे बाप रे तो छत्री है मुझसे छल कर रहा था ठीक है। तो इस तरीके से रूट कैप बहुत तेज होती है, मिट्टी को सीधे भेद देती है ठीक है। तो रूट कैप हो गया, तो ये जड़ के भाग हैं गाइस, इसको ध्यान रखिएगा। जोन ऑफ मैचुरेशन रूट हेयर, जोन ऑफ इलांगेशन, जोन ऑफ सेल डिवीजन ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। फिर आगे थोड़ा सा ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। रूट के अगर हम इस बात करें, इसके टाइप्स की बात करें, कितने प्रकार के होते हैं रूट, कहाँ कहाँ से एग्जाम्पल बनते हैं, कहाँ कहाँ से इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के रूट का एग्जाम्पल कौन सा है, तो उसको यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले इसको जो है इस बाटा दो प्रकार के हैं, ये टैप रूट है और एडवेंटिटियस रूट है। टैप रूट तो आप देख रहे हैं इसमें तीन है, टैप रूट पे तीन प्रकार का, फ्यूजी फार्म है, कोनिकल है और नैपी फार्म। फ्यूजी फार्म ठीक है, कोनिकल और नैपी फार्म, तो ये तीन प्रकार के हैं। फ्यूजी फार्म का उदाहरण है मूली। अब मूली को जानते हैं कि इसमें जो जो जड़ होती है कुछ इस तरह से चलती है, पहले ऐसे, पहले पतली है फिर मोटी फिर ऐसे पतली हो जाती है ठीक है। अब मूली में हो गए। गाजर में क्या होता है, गाजर में कोन जैसा बनता है कोन, अब यहाँ से चलेगा तो ऐसे ठीक ठीक है, इस तरीके से ये धीरे धीरे जैसे नीचे चलेगी वो पतली होती चली जाएगी। तो भाई साहब ये गाजर हो गई ठीक है, गाजर। नैपी फार्म सलजम में इसकी क्या होती है कि पहले ये अचानक से ऐसे मोटी है, अचानक से पतली हो जाती है, ऐसे ऐसे चल रही है ये अचानक से पतली हो गई ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सलजम हो गया गाइस ठीक है। तो फ्यूजी फार्म, कोनिकल और नैपी फार्म ये हो गए टॉप टैप रूट। एडवेंटिशियस रूट जो है इसको दो प्रकार से डिवाइड किया गया, भोजन संचय के आधार पर और एक आधार और अन्य कार्यक्रमों के लिए ठीक है, भोजन संचय के लिए। तो जो रूट है भोजन संचय के लिए पांच प्रकार की है। टफ मैन क्या है, टफ मैन, टफ मैन गाइस, टफ मैन। तो टी से ट्यूबरस और एफ से फैसिकुलेटेड, एम से मोनली फॉर्म, ए से एन्युलेटेड और नोड्यूलेटेड गाइस। ट्यूबरस, फैसिकुलेटेड, मोनली फॉर्म, एन्युलेटेड और नोड्यूलेटेड। ट्यूबरस में जैसे है क्या, इसका एग्जाम्पल शकरकंद, ट्यूबरस ठीक है। फैसिकुलेटेड इसका एग्जाम्पल है सतावर, मोनली फॉर्म करेला और एनुलेटेड एपाकॉक, नोड्यूलेटेड चना और मटर, नोड्यूल्स पाई जाती है इसमें गाइस। अब यहाँ आधार और अन्य कार्यों के लिए जैसे फाइबरस रूट है, जैसे फाइबरस पूरी निकलती है घास में नीचे से। प्रॉप रूट बरगद में जो आप देखते हैं लटकते हुए प्रॉप रूट है। और स्टिल्ट रूट जो मक्का में है निकलती होती है उससे स्टिल्ट रूट है। क्लाइंबिंग रूट चढ़ने वाली जैसे पान में ठीक है, क्लाइंबिंग रूट होती है चढ़ने के लिए सहायता करती है। एपीफाइटिक रूट जैसे आर्किड में होती हैं एपीफाइटिक रूट। हास्टोरियल चूसकांग वाली अमर बेल में, जहाँ से जिस पर डाल देंगे अमर बेल उसको चूस लेगा खत्म कर देगा। फोलियर रूट जो है अजूबा में पत्ती जैसी, इसमें पत्ती से इसके जो है रूट निकलती हैं, फोलियर होती हैं, फोलियर रूट कहलाती हैं। तो ये जो है रूट के जो है पूरा ये टाइप्स हो गया, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इसके एग्जाम्पल जो है थोड़े से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस ठीक है। तो आज का ये लेक्चर आप सबके लिए कैसा लगा गाइस, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक दमदार कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस ठीक है। तो चलते हैं फिर, अगर एक दमदार बेहतरीन कमेंट दिखेगा गाइस मोटिवेशनल थाट के साथ रूट के बाद, तुरंत ही हमारा लेक्चर स्टेम आने वाला है ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में गाइस बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। हाँ एक बात और कहेंगे कि जब अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं, अगर आप नए हमारे चैनल पर, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9292190852 ठीक है, 8522 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है गाइज। यहां से आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ठीक है, जुड़ सकते हैं। इस पर आपको अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिखकर सेंड करना होगा ठीक है, नाम और डिस्ट्रिक्ट लिखकर सेंड होगा, फिर हम आपको लिंक शेयर करेंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाएंगे तो जुड़ जाएंगे। आपको तमाम टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड और लेक्चर जो भी है एग्जाम से रिलेटेड आपको जानकारी भी मिलती रहती, लेक्चर भी मिलते रहते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कभी नए लेक्चर के साथ। ओके थैंक यू, जय हिंद।